जा रहे हैं जी शूटिंग की तरफ। आई एम अंडर द वाटर, प्लीज सेव मी। ट्रोल पे गए हैं पर चस चले के बारे में या शहर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। और हमें क्या पता है? हमें बस पता है कि ये घंटाघर है। शेर हमने देखे, हम अंदर बैठे हुए। हाँ, पर वो शेर बाबू करते हैं। खाना भी पीछे का पैसा तो खा लिया और पैक करा के घर पे ले आए। कैसा? अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज के व्लॉग में हमारे पास एक पर्सनैलिटी आ रही है जो फेमस है माशाल्लाह बेशक, और उनका काम बड़ा मज़ेदार है। ही इज़ एन एंकर एंड ही इज़ अ फनी एंकर। आप देखते हैं कि आप उनको गेस कर सकते हैं कि नहीं। होपफुली आज के व्लॉग में हमें काफ़ी मज़ा आएगा। हल्की हल्की बूंदा बांदी के साथ मैं तो जा रहा हूँ भाई रोड पे, इसलिए कि भाई हमारे जो गेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और हम अभी तक इधर ग्रीन वैली में ही हैं। अगर तो वलीद भाई इधर कहीं नज़र आते हैं उनको बोलते हैं भाई इतनी ब्रेक लाओ, गड्डी घुमाओ तो चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह वलीद भाई की ड्राइविंग अच्छी है तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए टेंशन वाली कोई गल नहीं है। बस रोड पे पहुंच रहे हैं वलीद भाई, बस पहुँच जाए टाइम पर। ये हमारे वलीद भाई भी आ गए हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, कॉपीराइट बंद कर दें। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो हमारा प्लान अभी भी ऑन है? अभी भी ऑन है। ओके। क्योंकि उनको वो अभी एंटर हो रहे हैं गुजरांवाला में, तो कह रहे हैं अभी तक हमें तो नहीं मिली बारिश। बस 5 मिनट्स तक हम पहुँच जाएंगे। हमने बता दिया कि भाई हमारे वलीद भाई 5 मिनट से पहले ही पहुँचा देंगे, तो क्या आप पहुँचा सकते हैं? ऊपर पहुँच रहे हैं गुजरांवाला के गेट पे पहुँच रहे हैं। गुजरांवाला का तो कोई गेट ही नहीं है, गुजरांवाला के गेट तो अंदर जा गए हैं, सियालकोटी दरवाजा आते पता नहीं की। वलीद भाई उठने वाला गेट लगाने लगे हैं। हमें माइक शाइक लग चुके हैं, अब हम पहला स्किट स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ी देर तक हमारे साथ सर मौजूद हैं। अब हम जा रहे हैं जी शूटिंग की तरफ। ये एंट्रेंस है, इसके सामने हम वीडियो बनाएंगे और आप देखें एंजॉय करें साथ साथ। ये आपको आगे जाके वाइड लेना पड़ेगा, ये फिर ही पूरा होगा। आफ्टर कम्प्लीटिंग आवर फर्स्ट शॉट इंट्रो शॉट हम लोग आ गए हैं वापस। अब जो भाई लोग हैं कैमरामैन अमेजिंग वर्कर्स जो एक्चुअली जिनको पता होता है क्या शूट करना क्या नहीं शूट करना, अब वो प्यारी सी ड्रोन शॉट लेंगे इस जगह की और फिर हम आगे जाएंगे नाश्ता करने। और नाश्ता करने हम कहाँ जा रहे हैं वलीद भाई? हेलो, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज सेव मी। आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। पहले मेरा प्लान था गनीपुर के भाई उनके पास जाना है जीटी रोड पे, अब हम जा रहे हैं गुरु नानकपुरा, फिर हम आगे अंदरून जाएंगे घूमते फिरेंगे। बस अलग अलग हमें मायूस ना करे, हमें इतने जल्दी कभी उठ के नाश्ता करने गए ही नहीं है, पता नहीं अब खुला हो या ना हो। इतनी जल्दी ये गुजरांवाला के हिसाब से लेट है। हाँ, मतलब हमारे लिए हम जल्दी उठ गए हैं, गुजरांवाला वैसे लेट है नाश्ते के लिहाज से, लेकिन 9:30 बजे ख़त्म हो जाता है नाश्ता। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये है कि अभी रात को इतनी गुस्साटी बारिश हुई है ना, अब पता नहीं वहाँ पर क्या हालात हैं। अल्लाह करे कि इन्ना कोई पानी होए, जब वो तो आया तो फिर अभी कहना है रोलते गए पर चस बड़ी आई, फिर शायद वापस जीटी रोड जाना पड़े। हाँ, ये दुख है। असल में उनको गुजरांवाला दिखाना सारा, गुजरांवाला सारा बना ही जीटी रोड पे, आप कहीं भी जाना घूमते के जीटी रोड आ ही जाता है। दो ही तो रोड है, एक जीटी रोड, एक सियालकोट रोड और एक वो रोड जो खत्म नहीं होता, उसका क्या नाम है? सुजस रोड। ओ इतनी दूर जा रहे हैं ड्रोन वाले भाई, ड्रोन बना की शॉट लेने इसकी। माशाल्लाह भाई कितने टूर गए हैं यार, अरे गवाच गया बंदा। स्पॉन्सर नहीं है, गर्मी बहुत है यार, मिनट मिनट बाद पसीना आ जाता है, इसलिए हाथ में डब्बा ही पकड़ लिया। अपनी गाड़ी हमने पास कर दी है, अब इसके अंदर जाने लगे हैं। हाँ जी वलीद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक क्या है सर, आप सुनाएं सर, आपकी क्या हाल? शुक्र बेटी, आप बताएं कैसे? मज़ा आ रहा है गर्मी तो नहीं? मुझे आपसे पूछना चाहिए। 10 लाख नहीं, मज़ा आता है, मज़ा तो आता है इस काम में, क्योंकि काम से मोहब्बत हो जाए। चौधरी गुजरांवाला का अल मशहूर हाजी अब्दुल गनी, ये ओरिजिनल शॉप है और माशाल्लाह डेट चेक करें, ओरिजिनल शॉप है। आज हम यहाँ से नाश्ता कराएंगे उस्ताद जी। चौधरी हम बैठे हुए हैं अब्दुल गनी की मेन दुकान पे, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो भाई देखें माशाल्लाह पहलवान नज़र भी आ रहे हैं, उनका तामिया चेक करें और बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। और अभी क्या टाइम हुआ है? 9:30। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अभी सिर्फ बारिश की वजह से, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिल गया, वरना ये अभी तक एंड हो जाता है। क्या सी तो अनु पै जाएगी अन्नी पै जाएगी
हाँ जी चने भी आ गए मशीनी रोगड़ी नान गुजरा वाले वाले भलवान लस्सी भी आ गई हाय हाय वाओ मियाज़ा वाओ व्यू कर लेना इसके ऊपर वाला का फेमस गेटा का हार। हाँ जी वरीज भाई मज़ा आ रहा है सो फार सो गुड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है डांट भी पड़ रही है सीनियर बंदों से और ये भी बात चल रहा है कि अपने मुल्क के बारे में या शहर के बारे में कुछ पता होना चाहिए और हमें क्या पता है हमें बस पता कि ये गेटा का क्या हम खाते कहाँ और यहाँ पे हम लोग आते हैं सिर्फ नाश्ते नुश्ते करने हमें यही नहीं पता कि ये रोडों के क्या नाम है और क्या मतलब ये किधर जाती हैं क्या हिस्ट्री है कब बना था मतलब कि हम बर्गर बच्चे हैं बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं अब ये इसकी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाएंगे अभी हमने सियालकोटी दरवाज़ा देखा है लोही दरवाज़ा देखा है और अब हम लोग आ गए हैं वो अन ओनली फेमस शेरा वाला बाग जो कि इस टाइम समुंदर बना हुआ है अब शेर तो क्या यहाँ बांदर भी आने को पसंद बांदर भी ना आए बांदर जी मेन एंट्रेंस के तो बड़े गंदे हाल हैं अब हम इधर कहीं से जा रहे हैं देखिए अब कैसा रास्ता है बड़ा छुप छुपा के हम आ रहे हैं क्योंकि वाटर लोता आया है तो जी जहाँ पे भी जाएं आपको पानी मिल रहा है यहाँ आपको गंद मिल रहा है मेन एंट्रेंस ये थी पता नहीं जी भी निज़ाम बनाया हुआ है ये है फेमस शेरा वाला बाग और ये इसके अंदर का एक प्यारा सा एक मकामी जगह इसका पता नहीं क्या नाम है हर पास वाटर वाटर होया है बड़े ध्यान से आए कि हमारा तो पैर गिले हो गए हैं आपके ना हों और ये स्पॉट जो बन गया है अब यहाँ पे लोग या नशे करते हैं या तमाशे करते हैं अच्छा सर बताएं आपको हमारा गुजरा वाला कैसा लगा फिलहाल मजा है जहाँ भी गए हैं नित्य नई चीजें हैं गुजरांवाला के अंदर कहीं शेरांवाला गेट है कहीं सियालकोट है मैं कहता हूँ गुजरांवाला ने तो अपने अंदर सबको समोया हुआ है हर जगह को गुजरांवाला के रेस्टोरेंट हर जगह से आप आ जा सकते हैं लेकिन नाश्ते का भी बहुत मजा आया पाए हमने खाए चने ईसा मगर कैसा लग रहा है आपको जंगल में सांगा मांगा आए हुए हम ये मैं बाकी शेरों वाला बाग आया हूँ क्योंकि शेर भी देखे हैं यहाँ पे हाँ शेर मैंने भी देखे हैं तीन शेर हमने देखे हम अंदर बैठे हुए हाँ पर वो शेर वो करते हैं ओके अभी हम बैठे हुए हैं गुजरांवाला का फेमस निराला होटल जहाँ का जो है मटन मज़ेदार है मटन की मछली देते हैं ये बहुत लेवल किस्म की और साथ ही कीमा देते हैं मटन का मज़ेदार बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको खाना खिलाना है मटन मछली वो जो फिश होती है नहीं नहीं मटन की मछली मटन की मछली ये क्या होती है पिंडरियाँ जो होती है ना उसको कहते हैं मछली और मटन मछली लाई जाए मटन मछली और मटन कीमा वाह जी वाह है ना वाकई मटन मछली इसको कहते हैं गुजरांवाला की मटन मछली आज के हमारे सेशन का फिलहाल यहाँ पे इख्तिताम किया जा रहा है क्योंकि अमीर नबी साहब ने जाना है वापस लाहौर उनको कोई ज़रूरी काम है बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ है अब पता नहीं इसको ख़त्म कैसे करना तो बहुत 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 शुक्रिया और बहुत मज़ा आया अल्लाह ताला खुश रखे इंशाल्लाह ओके सर ये सर जज़ाकअल्लाह नहीं सर जज़ाकअल्लाह अभी अभी एक न्यूज़ आई है जी क्या न्यूज़ आई है
मैं कह रहा हूँ रास्ते में किसी ने कुछ लेके नहीं खाना, ध्यान से जाना है, रोड बंद ना हो जाए, किसी ने कोई चीज़ नहीं खाई। हमारे से बड़े उनके उनके साथ ही हैं, टेंशन ना लो, उसको सिखा के लेके जाएंगे। जो कोई खिलाए खा लेना चाहिए, जो कोई चीज़ दे वो जेब में डाल ले और अपनी जेब से निकाल के खा लेना चाहिए। तासुर यही दे रहा है कि जो दी है खा लिया है और आंखें बंद रखिए, पता चल जाए कोई आपको खिला के क्या चाहता था। ये है राज की बात, ये है राज की बात। अच्छा अच्छा आपने बड़ा प्यार दिया और हाँ कोई मसला नहीं, नॉर्थ वगैरह जहाँ पे दिल करे यार। वैसे तो हमारा बनता है रोटी देना, बनता है हमारा वैसे रोटी देना। चलो ठीक है, स्पॉन्सर बाय कॉफी ना, इंशाल्लाह कभी दिन आएगा वो भी। अभी हम गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते क्योंकि गाड़ी में इस टाइम फुल सेक होगा। हाय अल्लाह जी, मैं तो मुझे तो इस टाइम फुल नींद आई हुई है। एसी ऑन कर दे। खाना भी किसी का वैसा तो खा लिया और पैक करा के घर भी ले आए। कैसा ये है गुजरांवाला की अजीम शख्सियत, ऐसे चाहते हैं वैसे, ऐसे ये ऐसे बनता है बिजनेस में। भी मिलता है, खाना भी मिलता है, घर भी घर वालों का भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है और पैसे भी लगते हैं। और हाँ आप पूरा गुजरांवाला भी घूम लेते हैं और मौलव गुजरांवाला के पास गाड़ी पार्क होती है, आपका पेट्रोल भी नहीं लगता। ये है गुजरांवाला और ये है गुजरांवाला की शान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। चले वलीद भाई अब हम घर चले। उम्मीद है आज का ब्लॉग 8 मिनट का हो गया होगा क्योंकि 8 मिनट के बाद ऐसे आते हैं जहाँ पे 300 रुपए की कोक मिलती है और वो कहते हैं फ्री रिफिल। हाँ पर 300 हुए हैं पानी डाल के अंदर वो शायद फुल एंड हुआ उस टाइम।